हेलो एवरीवन, सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी हुआ है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय कौसाम्बी से यह वैकेंसी आई हुई है। अलग अलग स्कूल से वैकेंसी है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विज्ञान, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, कला और इसके अलावा जो है यहाँ पर योग शिक्षक की भी वैकेंसी आई हुई है। कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, मेरिट के आधार पर यहाँ सिलेक्शन रहने वाला है। यदि कैंडिडेट की संख्या जो है अधिक हो जाती है तो यहाँ पर जो है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं मेन वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन डाला गया है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप लोगों को भेजना है। तो यहीं से जो है एडवर्टीजमेंट स्टार्ट होता है। आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की जो अंतिम डेट जो है वो पहले लिख दी है इन्होंने, 16 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे तक जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की वैकेंसी है। विद्यालय के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, अलग अलग विद्यालय है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक जो राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय कोयला और राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय बरसवा, ठीक है। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे एक ये वाला जो विद्यालय है, राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय कोयला और बरसवा। तो ये जो बालिका विद्यालय है चार, तो इसमें केवल जो है फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। बाकी जितने भी हैं यहाँ पर सरकारी स्कूल, तो इनमें जो है मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर पद का नाम जो है वो प्रवक्ता है, और इस स्कूल में जो वैकेंसी है केवल इतिहास और भूगोल की है। बरसवा में जो कि बालिका विद्यालय है, केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगी, तो केवल अर्थशास्त्र की वैकेंसी है। उसके बाद जो है करारी में, जहां मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस नागरिक शास्त्र की वैकेंसी है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर भूगोल और अर्थशास्त्र की वैकेंसी है काकोड़ा में, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी जो क्वालिफिकेशन है प्रवक्ता की, तो यहाँ पर जो है आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएट साथ में बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट सहायक अध्यापक या एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है, तो राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय जो कोयला है, इसमें व्यायाम शिक्षक की एक वैकेंसी है, कंप्यूटर शिक्षक की एक वैकेंसी है और अंग्रेजी शिक्षक की एक वैकेंसी है। कोई भी स्टूडेंट जो है फॉर्म फिल करता है तो ये सोच के बिल्कुल ना करे कि यहाँ पर केवल एक ही वैकेंसी है, हम यहाँ पर जो है फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी सारी जो है वैकेंसी आ रही हैं, हर जिले से जो वैकेंसी हर स्टेट से आती हैं, यदि आप लोग अपने कदम पीछे कर लेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो आप सोचते ही रह जाएंगे, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर एक भी पोस्ट आती है, क्योंकि आप लोगों को एक ही पोस्ट चाहिए, तो बिल्कुल माइंड में जो है ये सेट कर लें कि ये एक पोस्ट जो है वो हमारी है। राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय बरसवा में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है, कंप्यूटर शिक्षक की एक है। उसके बाद जो है करारी में जो वैकेंसी है, अंग्रेजी विज्ञान गणित कंप्यूटर शिक्षक की है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बरेसा में, जहाँ मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, सहायक अध्यापक का पद है गणित कला अंग्रेजी विज्ञान कंप्यूटर शिक्षक और संगीत, इसकी वैकेंसी है। नेक्स्ट काकोड़ा में जो वैकेंसी है यहाँ पर सहायक अध्यापक की, तो साइंस इंग्लिश मैथ और कंप्यूटर शिक्षक, यानी एक ही स्कूल में जो है वो सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की अलग अलग जो है सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है। सहायक अध्यापक के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन स्नातक साथ में बीएड और यहाँ पर टीईटी या फिर सीटीईटी, ठीक है। आपके पास जो है उच्च प्राथमिक स्तर का जो है टैट होना चाहिए पेपर टू, और या फिर आपने जो है सी टेट पेपर टू क्लियर किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षक के लिए योग्यता यहाँ पर स्नातक साथ में कंप्यूटर में डिप्लोमा, ठीक है। नेक्स्ट व्यायाम शिक्षक के लिए जो है यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन में जो है डिग्री वीपीएड या डीपीएड, आपके पास डिप्लोमा अगर है या डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डिटेल में जो है सारी चीजें हम देख लेते हैं। उपरोक्त पदों के लिए आवेदन पत्र रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी कौसाम्बी में निर्धारित अंतिम तिथि 16 अक्टूबर तक प्राप्त होना अनिवार्य है। यदि लेट हो जाता है तो आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है सैलरी किस तरीके से यहाँ पर दी जाएगी, तो अतिथि प्रवक्ता के लिए यानी गेस्ट टीचर की वैकेंसी है 320 रुपये प्रति पीरियड, और आप लोगों को एक दिन में जो है 5 पीरियड दिए जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो कितनी जो है वो सैलरी आप लोगों की हो जाएगी, प्रवक्ता की जो अधिकतम मानदेय सैलरी जो है वो 45,000 तक यहाँ पड़ने वाली है। सहायक अध्यापक जो है यहाँ पर एक पीरियड
300 रुपये, और अधिकतम मानदेय जो है मंथली इनकम जो है वो 42,000 आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पर एक तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपका सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा पढ़ाने पर। दूसरा, अगर आप किसी भी जो है गवर्नमेंट जॉब की पहले से ही तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की, तो आप जो है एक दो पीरियड लेकर जो है आप लोग अपनी तैयारी भी जो है वो रेगुलर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अतिथि शिक्षक के पीरियड विद्यालय की जो है आवश्यकता के अनुसार होगी। पीरियड के संबंध में अतिथि शिक्षक द्वारा किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा। उम्र जो है 21 से लेकर 60 वर्ष तक यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। अभ्यर्थी को आवेदन के साथ शैक्षिक योग्यता, अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, पहचान पते की पुष्टि, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, इनमें से एक में पते की जो है जिससे पुष्टि हो सके, ये जो है आप लोगों को अपने दस्तावेजों के साथ में 10th के बाद की जितनी भी मार्कशीट है उनके साथ में आप लोगों को अटैच करके और एड्रेस पर आप लोगों को भेज देना है। बाकी जो है कुछ यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को बता दी है। अब देखिए यहाँ पर विद्यालय में आवासीय सुविधा उपलब्ध होने पर, जितने भी स्कूल मैंने दिखाए हैं अगर यहाँ पर आवासीय सुविधा रहेगी तो प्रवक्ता या सहायक अध्यापक को निशुल्क आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। और लास्ट में लिखा है राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय कोयला और बरसवा में केवल महिला अभ्यर्थी ही जो है आवेदन कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ जानकारी जो है वो मैंने आप लोगों को अच्छे से दे दी है। तो ये जो है आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही वैकेंसी है और ये स्कूल के ऊपर निर्भर है, अगर आपका काम जो है वो अच्छा रहता है तो आप जो है यहाँ पर बने रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मेन वेबसाइट पर आना है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश सरकार, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से वैकेंसी है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे, नोटिफिकेशन में आप लोगों को सबसे ऊपर जो है विज्ञप्ति नजर आएगी, इसे आप ओपन करेंगे और यहाँ पर जो है डिटेल में एडवर्टीजमेंट आप लोगों के सामने आ जाएगी। लास्ट में जो है वो एप्लीकेशन फॉर्मेट आप लोगों को मिलेगा, इसे आप डाउनलोड कर देंगे और दिए गए एड्रेस पर आप लोगों को भेज देना है। ये देखिए एड्रेस जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, उपरोक्त पदों के लिए आवेदन पत्र जो है रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। ये एड्रेस है कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी कौशाम्बी, ठीक है। ये जो है एड्रेस रहने वाला है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये जरूर आप लोग जो है लिफाफा या जो एनवलप है उसके ऊपर आप जरूर लिखेंगे। तो 16/10/2023 तक जो है वो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जो है भेज दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।